Elliott wave was quite similar when it comes to the calculation, the impact, the interpretation of fear and greed in the market in a particular time frame, whichever one the person interested as an analyst or as a trader or investor is looking at. So the benefits of it, where people get discouraged or where people go wrong, aaj sab discuss karte ek ek karke ki how this beautiful study works. When I started my journey as a full-time trader cum investor in 2006, uske pehle I've been involved in the market from the 1990, right from after my college, as an investor, trader and all that. But that was more on fundamental side, news side, you can call it tips back then. Aur waise karta tha, but 2006 mein when I became a full-time trader cum investor out of my family business, the first technical subject which I learned was Elliott wave. Uske certain rules hai. Impulse ke baad 3, 5 ke baad 3 banega. So they are like that obedient child in the house, जो हर बात सुनता है, हर बात सही करता है, सब कुछ करता है. जो करेक्टिव वेव्स होते हैं, दैट इज वेव नंबर 2 एंड वेव नंबर 4, दीज आर द प्रैंकस्टर्स ऑफ द हाउस, दीज आर द वंस हु आर द ब्लैक शीप ऑफ द हाउस, दीज आर द वंस जो अपने मन मर्जी में चले. वो जैसे होता है ना, एग्जाम में एक पेपर मत दो, तुमको प्रमोट कर देंगे हम एग्जाम में. तो इसका वही केस है ए वेव का. ये 3 या 5 हो सकता है, इसकी मर्जी, उसको वो छूट दिया हुआ है. दो पेपर छोड़ दो, यू आर स्टिल प्रमोटेड. डोंट ट्राई टू ट्रेड एवरी पार्ट ऑफ एवरी ट्रेंड. सो इन एलियट दे से द सब माइनर वेव, द लोअर डिग्री वेव ऑफ द फिफ्थ वेव जो खत्म हो रहा है, उसको हाथ मत लगाओ, साइड में बैठ जाओ, रिवर्सल को ट्रेड करने में. नाउ कम्स द कॉम्प्लेक्स वेव, जो सबसे बड़ा नाटकबाज वेव होता है एलियट का, ड्रामा क्वीन ऑफ द एनी एक्सटेंट, फ्रस्ट्रेट कर दे किसी ट्रेडर को. तो इट्स ऑलवेज जो बोलते हैं ना, हार्ड वर्क के बाद ही रिजल्ट मिलता है. देयर इज नो शॉर्टकट ना, देयर इज नो फ्री लंच इन द हाईवे. सो अगर सब कुछ फ्री चाहिए तो यार फिर जाओ लंगर खाने गुरुद्वारा मंदिर में, ऐसे खाओ जाके. उसमें क्या मिलेगा आपको, पकवान थोड़ी उतना मिलेगा आपको. यू वॉन्ट टू वर्क हार्ड, इट्स लाइक आपको मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट का खाना चाहिए, और वो भी रोड साइड स्टॉल में. रोड साइड स्टॉल का खाना भी अच्छा होगा. बट गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, टुडे वी हैव विद अस मिस्टर दिनेश नागपाल, हु हैज बीन इन मार्केट फॉर द लास्ट 30 इयर्स. He is a trader and investor since the last 18 years and has been teaching trading for the last 5 years. मैंने सर को स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट किया था टू शेयर हिज एक्सपर्टीज ऑन एलियट वेव थ्योरी, ओके, एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे. सो दिनेश सर, वार्म वेलकम टू यू. लेट्स स्टार्ट विद अ क्वेश्चन. थैंक यू रोहित एंड फॉर हैविंग मी ओवर, एंड इट्स आई होप आई कैन मेक इट अ वेरी इंटरेस्टिंग सेशन टुडे, टॉक विद यू ऑन एलियट वेव थ्योरी लाइक दैट. एकदम इस पे अच्छा बात कर लेते हैं, थोड़ा इसको डेवलप करते हैं, बिकॉज एवरीबॉडी इज कीन ऑन नोइंग दिस सब्जेक्ट. सो द बेनिफिट्स ऑफ इट, वेयर पीपल गेट डिस्करेज्ड और वेयर पीपल गो रॉन्ग, आज सब डिस्कस करते हैं एक एक करके कि हाउ दिस ब्यूटिफुल स्टडी वर्क्स. ओके, सो ये जो स्टडी है एलियट वेव, दिस वॉज डेवलप्ड बाय रैल्फ एंड एलियट इन द टर्न ऑफ द 20th century. सो 1900 to 1930 एरा में उन्होंने यूज किया था. नाउ अगर आप लोग दोज आर वॉचिंग दिस वीडियो एंड यू ऑल्सो एज अ ट्रेडर इन्वेस्टर हैव ऑलवेज मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड हैज यूज कैंडल स्टिक थ्योरी. कैंडल स्टिक्स इज समथिंग विच इज 400 years old. इट वॉज डेवलप बाय मुनिशी होमा, अ राइस ट्रेडर, और उनका जो स्टडी का कंसेप्ट था, इट वॉज वेरी सिंपल कि द मार्केट मूव्स on just one impact, which is emotion. Humans are emotional beings. हम लोग में हर चीज में emotion होता है. So the market reacts to emotion, and emotion is in the market is fear and greed. जब prices भाग रहे तो we are chasing it one way, when the falling we are trying to exit or we are going to short it in one way, that's fear. So greed and fear ki balance hoti hai. So the entire candlestick theory, whether you are looking at one candle, two candle, three candle, five candle theories, it works on the impact of fear and greed. Kuch koi pattern bola jata hai, kisi ko kuch bola jata hai, kuch bola jata hai. So that's purely price action, right? It has nothing to do with any indicator and all that. So it's Elliott wave was quite similar when it comes to the calculation, the impact, the interpretation of
fear and greed in the market at a particular time frame, whichever one the person interested as an analyst or as a trader or investor is looking at. So what Ralph Elliott did was that he made it into a bigger picture. So candlestick is micro because we are looking at a, say a lower time frame or even a monthly candle, we are looking at that. वो एक particular candle देखते हैं, bar को देखते हैं कि ये क्या interpretation कर रहा है. Ralph Elliott said ऐसे नहीं होता है. Ralph Elliott के हिसाब से the market works in waves. एक surge आती है when people get emotional, greedy, you know, they're chasing a stock कि ये और बढ़ेगा और भागेगा ऊपर. So we are chasing it. वो chasing का भी एक structure था उनके हिसाब से कि the first wave is normally the turnaround कि अब bad times खत्म हो गए हैं, अब अच्छा time शुरू हो रहा है stock का और ये यहाँ से चलेगा. एक surge आती है ना, if a few hands chase it, then there is a pullback. The pullback which happens is something which we call a what we call weak hands exiting, you know, jo BTST, STB wale jo thoda bahut leke nikal gaye stocks. It's I think, you know, ek baar main draw karke wapas explain karta hu, thoda sa aur easy hoga. Main iske andar ek cheez add karu. Ha boliye na. What I think is ki jab hum log candlestick charts ko dekhte hain to we are more focused about कि उस एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में हुआ क्या, लेट्स से 1 आवर 2 आवर 3 आवर. एंड व्हाई पीपल फेस सो मेनी प्रॉब्लम विद इट इज बिकॉज उनकी एक्सपेक्टेशन होती है दैट इफ दे आर बुलिश दे हैव टू गेट द ग्रीन कैंडल्स इटसेल्फ एंड मोमेंट द फर्स्ट रेड कैंडल इज कमिंग दे वांट टू एग्जिट इट. एंड काउंटर इज ट्रू फॉर व्हेन इट इज अ बेरिश मार्केट. व्हाट इलिट वेव इज डूइंग इज ये कह रहा है कि बीच में आपको रेड कैंडल्स भी मिलने वाली हैं आपको एक बुलिश ट्रेंड के अंदर, but you will get a bigger wave, so you should not be worried about that red candle. See, it's how, so a little bit I'm going to go back. So when you when I started my journey as a full-time trader come investor in 2006, uske pehle I've been involved in the market from the 1990 for right from after my college, you know, as an investor trader and all that, but that was more on fundamental side, news side, you can call it tips back then, aur waise karta tha. But 2006 mein when I became a full time trader come investor out of my family business, the first technical subject which I learned was Elliott wave. Before I learned anything else, it was Elliott wave. So straight away I learned one of the most you know, is pe ek baat boli jati hai ki Elliott is too complex, it is too subjective, it is too many things. It is like that the person who made the study 100 years back or itni accurate study hai ki he wanted the, you know, the eliminate the carelessness, the what you call, ha theek hai ye to aisa ho raha hai isko aisa kar de. No, the study is made in such a manner to make the decision making easier. Like that. Bada picture bahut easy dikhta hai, and I like to use Elliott primarily when I'm looking at larger pictures on the market, like, you know, monthly, weekly, daily, jo bade runs hote hai na, so that's where you make maximum money. When you hold on and you catch a winner or you run, join the trend, a strong growth momentum trend for a longer period of time in terms of projection. So yeah, coming back, so you know, wave one hota hai, yaar, aap agar dekh rahe ho mere screen mein. Yeah. Wave one is the turnaround. Hello, ये टर्न अराउंड करता है मार्केट को, राइट? ये पहले करेक्शन हुआ था या जो भी, उसके बाद टर्न अराउंड आया. इसको ये नॉर्मली थोड़ा फास्ट चालू होता है, बट द मार्केट इज स्टिल इन अ ग्रिप ऑफ अनसर्टेनिटी एट दिस स्टेज बिकॉज इसके पहले, इसके प्रायर टू दिस, देयर हैज बीन अ करेक्शन इन द मार्केट. एक करेक्शन हो चुकी है मार्केट में, सो पीपल आर स्टिल, यू नो, नॉट रेडी टू गेट आउट ऑफ द मार्केट सेइंग कि यार ये तो करेक्टिव है, निकल जाओ, लोअर हाई बना रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा, और इससे निकल जाओ. देन वी हैव अ पुल बैक विच इज कॉल्ड वेव टू. ओके, वेव टू इज द पुल बैक. द पुल बैक इज वेयर, यू नो, स्मार्ट मनी इज adding more to it. Accumulation is on. Isme pura accumulation hota hai. This is one of the, so those who are watching this video and are learning Elliott wave, ek cheez yaad rakhega, learn your ABC, and I'll come to that part later. Is worth ko learn your ABC, jo school mein bhi bola jata tha na, know your alphabet. So in Elliott we say learn your ABC well to catch the next move. So wave one asset jata hai, wave two ka
इस तरीके का पुल बैक आता है और फिर आती है वेव थ्री. नाउ एलियट वेव में नाउ व्हाट अगेन व्हाट हैपेंस इज द जनरल क्राउड, ओके द जनरल मासेस एंड ऑल दैट, उनको लगता है कि चलो ये यहां से यहां आ गया, चलो बुक कर लो, इतना अच्छा मूव मिला. बट दिस इज द बिग वेव, ये अपना ऊपर भागते जाता है, डज इट्स जॉब, big giant move. Then comes another corrective wave which is called wave 4. Okay, wave 4 is the next corrective we have out here, wave 4. And then comes the last wave called the terminal wave. This is what a Elliott wave 5 up impulse looks like. Jisme number 1, let me write it here, number 1, 3 and 5 are leading the trend, okay, and they are called impulse waves. Impulse, okay. Number 4, 2, and 4 are counter, and they are called corrective. Okay, they are called corrective waves. So, two kind of waves hote hain, impulse, corrective. It is a mandatory rule in Elliott that every impulse after it gets over will see a corrective. So after a 5 up, we will have a correction coming. Every 5 up will lead to a correction. Now, why do people find it very difficult to, you know, get higher accuracy? So understanding is a different matter. Interpreting it and making it into a successful journey, especially in lower time frame. Okay, lower time frame mein even I have had a bad time initially to sabko hota hai, but I like to use it in higher time frame, and I'll come to one of the most important reasons behind that is because Elliott is full of rules and guidelines. Unke rules bahut important hote hain. You cannot break the rule. You cannot just say acha chalo, jaise koi aap subject padhte ho aur bolte ho yaar ye physics mein humko sirf heat mein interest rakhna hai, humko moment mein nahi dekhna hai, humko light mein nahi dekhna, hum isme focus karenge. Nahi, ye nahi kar sakte ho. इसमें यू हैव टू कवर एवरी एस्पेक्ट ऑफ एलियट एंड यू हैव टू कीप एवरीथिंग वेरी वेरी टू द पॉइंट. इसमें इसीलिए इसमें आप देखोगे जितने अच्छे एलियटिशियन होते हैं मार्केट में, यू नो आई हैव सीन क्वाइट अ फ्यू, एंड दे ऑलवेज आर हैविंग एन ऑल्टरनेट काउंट रेडी इफ दे आर नॉट कन्विंस्ड ऑफ द मूव. एक ऑल्टरनेट काउंट हमेशा ओपन रखते हैं. दूसरा, एलियट में बोला जाता है let it progress and show you clarity. So if supposing you are looking at a turnaround, like I said, you should know your ABC in Elliott. ABC khatam ho gaya aur aapko lagta hai ab yahan se impulse chalu hoga, to wo impulse ko progress hone dijiye in a lower time frame. Progress ke baad aap aur apna quantity us par add kar sakte ho. Waise hi na, you can do staggered एंट्री इन द पिरामिड बिल्डिंग कर सकते हो स्टॉक में या इंडेक्स में जैसे भी, और वैसे ये मूव डेवलप होता है एकदम ओपनली. द अदर फैक्टर अबाउट एलियट व्हाई यू नो व्हाई इट इज सो डिफिकल्ट, इट अपीयर्स डिफिकल्ट, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, इज दैट दिस इज अ प्योर प्राइस एक्शन स्टडी. इट द ओनली स्टडी विच इट बोरोज द होल प्रिंसिपल्स एंड ऑफ एलियट वेव, द ओनली स्टडी विच कम्स इन टू प्ले विथ Elliott wave is the Fibonacci study, because it is heavily inspired by Fibonacci. It does not depend on any indicator based study or anything. You can only use Elliott wave on candlesticks and bar charts. You cannot use it on Heikin-Ashi, you cannot use it on line charts, you cannot use it on PNF, because those are modified. Okay, us line chart mein to aapke open high close low hote hi nahi hai, so you cannot use it. It needs every tick possible. So a lot of elliotticians that you will see who are only doing Elliott, they are not studying any other, they are not using any other study, will be in bar charts. Wo candlestick bhi nahi use karte, unko simple bar chart chahiye, because candlesticks also emote emotion, they don't want to get mixed up in that journey, so they stick to bar charts. So you can do candlesticks, bar charts, both are absolutely fine in Elliott. And you have to, you know, isme jo study hota, like you have certain rule fundamentals. So first main aapke sang the fundamentals of Elliott ke bare mein batana chahta hu, and that is like this, that every five waves in a Elliott, that is the impulse wave ke baad ek ABC banta hai.
एबीसी. सो ये जो मैंने एबीसी यहाँ बनाया है एबीसी बनेगा. एवरी फाइव वेव्स विल लीड टू अ एबीसी पैटर्न एलियट वेव नंबर वन. नंबर टू लाइक आई सेड आफ्टर एवरी फाइव अ थ्री कम्स बट आफ्टर एवरी थ्री नॉट नेसेसरी अ फाइव विल कम. ओके वो एक कैच है उस पर हम दैट्स वेयर पीपल टेंड टू गेट अ बिट ट्रैप. सो एवरी फाइव विल लीड टू अ थ्री. वेव वन वेव थ्री वेव फाइव are the impulse waves. Wave 2, wave 4 are the corrective counter trending waves which take place in the market. Now, wave 2 jo hai, wave 2, this will enter the territory of wave 1. ये wave 1 hai hamara. Wo counter trend karta hai. Okay, or it should never go below wave one. Ye low nahi tod sakti usme. You cannot go below this. If by chance you have a counter thing ki ye yahan tak gaya, to hum log bahut log bolte hain double bottom ho gaya hai, false breakdown tha, news related tha, etc. etc. Nahi, wick tha khali, candle to uske upar band hua hai. No, it cannot go below wave one. Not allowed at all. जा ही नहीं सकता उसके बिलो. सो वेव टू इज नॉट एन इम्पल्स, डजंट हैव अ फाइव वेव स्ट्रक्चर, इट इज अ थ्री वेव स्ट्रक्चर एंड इट विल व्हाट यू कॉल टर्न टू लीड टू द बिगर वेव थ्री. नाउ वेव थ्री जो है हमारा वेव थ्री, इट कैन नॉट बी द स्मॉलेस्ट वेव. सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई गेट अ वेव लाइक दिस, ओके लाइक दिस, इस केस में you notice that ये सबसे छोटा wave है price terms में. so just going to one minute. yeah ये जैसे मैं measure कर रहा हूँ ये 92 points है. ये 83 points है. ये 70 है. ये सबसे छोटा है. wave 3 can never be the smallest wave. not allowed. एकदम अलाउड नहीं है. इट मे नॉट बी द बिगेस्ट वेव बट इट कैन नॉट बी द स्मॉलेस्ट एलियट वेव. इट हैज टू बी आइदर द मोस्टली वेव थ्री इज द बिगेस्ट वेव. सबसे ज्यादा प्राइस एक्शन हमको वेव थ्री में मिलता है. सबसे ज्यादा इट इज द लीडिंग वेव. और वेव थ्री इज जो वेव है इसकी ये ब्यूटी है. नाउ दैट्स व्हाई द ब्यूटी ऑफ एलियट कम्स की बाकी जितने स्टडीज होते हैं विच आर इंडिकेटर बेस्ड स्टडीज दे आर स्टिल ट्राइंग टू टेल यू कि मार्केट इस समय इस जोन में कंसोलिडेट कर रहा है. अभी हम श्योर नहीं है मार्केट ऊपर जाएगा कि नहीं. राइट, जहां वेव थ्री चालू होगा, वेव थ्री का कंफर्मेशन, यू विल नोटिस दैट कोई भी स्टॉक का चेक कर लीजिए ट्रैक हिस्ट्री जाके कि ऑल इंडिकेटर बेस्ड स्टडीज, हाँ एवरी इंडिकेटर बेस्ड स्टडी विल गिव यू अ बाय सिग्नल देन कि ये बाय है, ये बुलिश है, ये बुलिश है, ये बुलिश है और इतना भाग सकता है या इतना ये कर सकता है. And even the fundamental team, even the fundamental analysts will also have the same view. This is that time of the trend in whichever time frame you are looking at it, that everyone is on the same line. That's the beauty of wave 3. Or elliptians ke liye ye beauty hai ki wo pehle pakadte hain usko. Wave 1, wave 2 ka pullback. Agar wave 1 mein entry nahi li hai, wave 2 ke pullback mein wo enter lete aur phir karte. So wave 3 is normally the longest wave in terms of price. वो सबसे ज्यादा भागता है. और अगेन फिबोनाची कम्स इनटू इंपैक्ट आउट हियर कि इसका जो फिबोनाची होता है वो वेव वन का 1.6 वैसे चलता है. इट्स क्वाइट अ स्ट्रॉन्ग, इट्स वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्टिकुलर वेव्स दैट वी सी. इट कुड इवन स्ट्रेच हियर, इट कुड इवन गो आउट लाइक दैट. फिलहाल मैंने 1.6 का बनाया है इसको और दिखाया आपको 1.6 ऐसे करता है. ये दिस इज दैट स्ट्रॉन्ग वेव थ्री इसका. देन कम्स वेव फोर. नाउ वेव फोर जो है ये भी करेक्टिव है बट वेव फोर देयर इज डज नॉट करेक्ट इनटू वेव वन सेकंड वेव वन इन only in two circumstances
that wave four can enter wave one. Only under two circumstances, wave four can enter wave one. Otherwise, jab trending market hoga na aapka, to wave four will never go below this. It will stop way above this. It will enter the wave three territory. Wave three ke territory mein ghusta hai wo after wave four. Aur yahan par wo apna term karta hai. Aur phir aata hai last wave hamara, which is called the terminal wave, wave five. The terminal wave, क्योंकि इसके बाद correction होने वाली है, इसके बाद pull back आने वाली है. So ये इसके minimum rules होते हैं. Like I said, wave four इनमें two cases can enter wave one. वो मैं अभी आगे आपके संग करूँगा. पहले हम इसका सिर्फ basic ये समझे कि ये how this what you call works in the concept इसका. So again I'll say 1, 2, 3, 4, 5. 1, 3, 5 are the impulse waves. 2 and 4 are the corrective waves. 2 can never go below 1. Allowed ही नहीं है. 4 should not breach below into number 1's territory. In only in 2 cases it does. We'll come to that a bit later. And like I said, after every 5 waves, the market will see a 3-wave correction. An ABC correction will come into place. A corrective will come into place. So, Now, जब हम इसको काउंट करते हैं, ये जैसे समझिए मैंने एक हायर टाइम फ्रेम में ये काउंट लिया है, से वीकली, ओके? Now, same thing, how do I break it down कि ये बड़ा वेव बन रहा है कि छोटा वेव बन रहा है इसका? So, it will be something like this. Okay, so you are going into the two time frame analysis, one on a bigger time frame and one on a smaller time frame. So, जैसे जैसे वेव अनफोल्ड होगा एक हायर वेव अनफोल्ड होने लग जाएगा जैसे जैसे एक कंप्लीट होगा वो हायर डिग्री का एक वेव बनाते जाएगा लाइक दैट सो ये हुआ वो वेव यहां में भी कुछ ऐसा होगा वाओ इट मेक सेंस ओके और ये जो दो वेव्स हैं हमारे corrective waves यहाँ पे बनेंगे इसके अंदर। So you see, I'm changing the label also, right? Yeah. The labels are also getting changes because वो lower degree के wave हैं। Lower degree के wave बन रहे। So this is the minimum rules of Elliott. इसके बिना Elliott नहीं होता है। ये समझना जरूरी है। So 5 + 3 = 5, 5, 5, 15 15 और 6 21 वेव 21 वेव्स आर मिनिमम फॉर वन हायर डिग्री वेव ओके मिनिमम 21 सो दिस व्हाट यू आर सीइंग आउट हियर दिस पर्टिकुलर वेव यहां वाला ये वेव 1 है On a higher degree. समझे हमने जो 5 पहले का बनाया ये weekly था ये उसका नीचे का daily है और ये monthly या quarterly में wave 1 बना है wave 1 ऐसा so as we go higher the waves the degree of the wave changes so here we go इसमें एक second इसी को click करता हूँ you see out here degree So minor, intermediate, primary, cycle, super cycle. Our markets does not have that much data that we go to super cycle. We can start from cycle in the case of, you know, stocks which have been listed for the last 30 years. नहीं तो primary, intermediate, minor में ही काम हो जाता है हमारा in the wave count cycle like that. So this is how the waves will unfold in front of you. ऐसे लगता है वो. So इधर ही mark आते हैं public, you know, they are they are not looking at the bigger picture. So when anyone who's watching this again, if you want to do Elliott, always start from the higher degree and come downwards like that. Don't start from down and go up. Start from top and come down. उस wave को unfold करिए कि वो wave कैसे unfold हो रहा है और कैसे चल रहा है ये वाला wave. Okay. So now coming to the this is the impulse part. Impulse में और भी इंपॉर्टेंट बात बताता हूं आपको जो अगेन वेयर वी टेंड टू सी पीपल लूज मनी
और यू नो अर्ली एग्जिट्स करते हुए, यू नो देन फिर वो शॉक और डिसबिलीव होता है, अरे यार ये स्टॉक तो भाग गया मेरे कंट्रोल के बियॉन्ड चला गया ये वाला. ओके सो तो कई बार आप देखोगे कोई स्टॉक्स में नॉन स्टॉप रैली आ रही है, नॉन स्टॉप स्टॉक भाग रहा है ऊपर की तरफ, और आप डम फाउंडेड हो जाते हो यार इसमें तो पांच पहले ही खत्म हो गया था. जैसे कभी कभी वेव स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा. यू नो ऐसे ये स्टॉक ऊपर भाग रहा है ऐसे, और जैसे कि मैंने बताया था थर्ड कैन नेवर बी द स्मॉलेस्ट वेव. नाउ हियर इज द कैच दैट इन एलियट वेव इन अ स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, इन स्ट्रॉन्ग ट्रेंड वी हैव व्हाट वी कॉल एक्सटेंडेड वेव्स. एक्सटेंडेड वेव्स, एक्सटेंडेड वेव का मतलब होता है कि वेव के अंदर वेव खुल रहा है, वेव के अंदर वेव. तो अभी हमने क्या किया था, इंटरमीडिएट से माइनर किया था ना, अब माइनर में भी अंदर वेव खुल रहा है. मतलब ये जो थर्ड वेव है मेरा, ये वाला वेव, ये ऐसे अनफोल्ड होगा. जस्ट वन सेकेंड, लेट मी टेक अ दिस एंड एक्सप्लेन. ऐसे एक्सटेंड हो रहा है, मतलब दिस वेव इज डूइंग समथिंग लाइक दिस. To draw right over it. Okay. ये जो थर्ड वेव है इंटरनल का, इसी का, इसका ही इंटरनल बता रहा हूं मैं आपको, इस वेव का इंटरनल बता रहा हूं, इसी वेव का इंटरनल ये हो सकता है या इसका इंटरनल हो सकता है. ये एक्सटेंड हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है. तो स्टॉक में सुपर ट्रेंड है, एक्सटेंडेड वेव्स उसको हम बोलते हैं. और इस एक्सटेंशन के अंदर भी ये जो थर्ड वेव है थर्ड का थर्ड ओके लेट मी जस्ट मेक इट मोर सुपर ट्रेंड्स में ऐसा होता है, स्टॉक सुपर ट्रेंड में रहता है जब, तो ऐसा ही बिहेव करेगा. एंड इसीलिए आई थिंक लोग इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट एंड कंफ्यूजिंग बोलते हैं. बिकॉज हम लोग एग्जैक्टली कैंडल्स ऊपर ज्यादा नहीं देख रहे, हम लोग एक तरीके से वेव्स को देख रहे हैं. हम सिर्फ चैप्टर वन ऑफ एलियट देख रहे हैं कि फाइव वेव खत्म हो गया. शायद थर्ड फिफ्थ बड़ा है, थर्ड उतना बड़ा नहीं है, और फाइव वेव हो गया. और यहाँ पर मोस्टली माल बेच देते हैं यहाँ पर कि यार ये तो बहुत बड़ा हो गया. और मैनी मेक अ मिस्टेक कि जैसे ये बना यहाँ पर शॉर्ट कर दिया कि फाइव वेव खत्म हो गया अब तो स्टॉक गिरेगा, और ये तो पागल की तरह भाग जाता है फिर स्टॉक ऊपर की तरह. सो दिस इज कॉल्ड अ एक्सटेंडेड वेव. एक्सटेंडेड वेव्स आर द अर्ली सिग्नल्स ऑफ अ सुपर ट्रेंड. एक्सटेंडेड वेव्स कि वो ऐसे वैसे अनफोल्ड होके डेवलप होता जाएगा, एक्सपैंड होते जाएंगे अप ट्रेंड में अपना चलते जाएंगे. सो हाउ डज एन एलिटिशियन नो दिस? अगेन आई विल कम बैक टू द फंडामेंटल्स. नंबर वन, थ्री इज द नॉर्मली द बिगेस्ट वेव, थ्री कैन नेवर बी द स्मॉलेस्ट वेव. नंबर टू, मैंने क्या बोला था, फिबोनाची पर पूरा डिपेंडेंट है स्टडी. तो फिबोनाची रेशियोज जो होते हैं, the golden ratios of Fibonacci 1.6, 0.61, जब वो देखता है ना कि ये wave unfold हो रहा है 1.27, 1.41, 1.61 से beyond जा रहा है एक particular sub wave, then you elliottian knows ये तो यार अब लंबा चलेगा, लंबा. फिर वो 2.6, 3.6, 4.6, 6.6 वैसे unfold होगा वो wave, non-stop भागेगा. Okay. There have been several stocks in our market in the last 2 years which have done it. Extended third waves, superb waves बने हैं, superb unfolding हुए waves के उसमें. So this is the picture how the extended third wave works. Okay, extended third waves strongest. Now the extended third wave can be, or you know, the any wave can be extended. One could be extended, third could be extended, fifth normally extended नहीं होता है, but हो सकता है fifth भी extended, but third में
नॉर्मली हमको एक्सटेंडेड मिलते हैं ज्यादा, यू नो, इन टर्म्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स दिस इज द वे विच अनफोल्ड्स स्ट्रॉन्गर. सो इसमें भी ये जो मैंने थर्ड बनाया है ना, ये वाला, इसमें फर्दर आपको एक्सटेंशन मिलेंगे. इसमें भी इट वर्क्स लाइक दिस. सो यू हैव टू हैव अ वेरी वेरी क्रिटिकल आउटलुक व्हेन यू आर डूइंग एलियट. यू कैनॉट अफोर्ड टू से अरे रिलैक्स करने का ये मौका नहीं देता है उसमें. सो देखिए कैसे वेव अनफोल्ड हो रहा है. थर्ड का थर्ड भी अनफोल्ड होते खुलते जाता है ऑन द अपसाइड. दैट्स द ब्यूटी ऑफ एलियट वेव. सो दिस इज द थर्ड वेव. दिस इज वन ऑफ द रूल्स, वन ऑफ द डिविएशंस आप बोल सकते हो ऑफ एलियट, कि एक्सटेंडेड वेव्स बनते हैं इसमें वैसे. ओके, नाउ लेट मी कम टू नाउ आई सेड वेव थ्री का मैंने बताया आपको. आप देखिए वेव वन जो है, जो मैंने बताया कि इन टू केसेस ओनली, इन टू केसेस वेव फोर एंटर्स द वेव वन एरिया, वेव फोर. ओके, इट ओनली हैपेंस इन टू केसेस. ओके, वेर इट विल एंटर द वेव वन एरिया, उसको हम बोलते हैं डायगोनल. Diagonal, okay. Diagonal बोलते हैं. There are two diagonals. The first is when formed in wave one. It's called leading. When formed in wave five, it's called ending. It's called ending. Wave diagonals. Ending वाले को हम rising wedge भी बोलते हैं, या अगर corrective में C wave में बन रहा है तो falling wedge बोलते हैं. मतलब रिवर्सल इज ड्यू एनी टाइम इन दैट केस. उस केस में लीडिंग डायगोनल अगर होगा तो कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा स्ट्रक्चर होगा, ऐसा. Which in itself is a reversal pattern. You know, जो कन्वर्जन. हाँ, तो अगर समझिए ये पैटर्न बन रहा है आफ्टर अ एबीसी, ओके, आफ्टर अ करेक्शन इन द मार्केट. फर्स्ट वेव ये, तो ये वेव वन बना है ऑफ अ हायर डिग्री. ओके, ऑफ अ हायर डिग्री वेव वन बन रहा है इधर में. इसका जो फॉल आएगा वो वेव टू होगा या वेव बी होगा. आई विल कम टू दैट पार्ट. वो ऐसा बनेगा, ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा उसका. ये वेव वन हुआ, और समझिए कि ये वाला जो पैटर्न बन रहा है ये आफ्टर अ इंपल्स बन रहा है, आफ्टर वन टू थ्री. तो ये वेव फाइव है. ऑफकोर्स इतना बड़ा नहीं होगा वेव फाइव, बट द स्ट्रक्चर विल लुक समथिंग लाइक दिस उसका. दैट मींस करेक्शन थ्री वेव्स हो गए फिफ्थ. सो इट्स ओनली लीड डायगोनल्स आर ओनली लीड वेव वन लीडिंग और वेव फाइव एंडिंग. इट इज नॉट मैंडेटरी कि वेव वन और वेव फाइव में डायगोनल बनेगा, नॉट मैंडेटरी. बट अगर बनेगा उधर ही बन सकता है. दैट्स द ओनली टाइम व्हेन एलियट सेज दैट वेव फोर can enter wave 1. Wave 4 can, sir, otherwise it can never enter. आप diagonal किस चीज को बोल रहे हो? इसको ये जो structure है इसको हम diagonal बोलते हैं. ये structure. Okay. This structure. Okay. So supposing this was formed in a hourly pattern. Okay. Hourly. Okay. ये hourly में बना है. तो ये lower degree का है. इसका जो higher degree जो बन रहा है वो either इन द डेली टाइम फ्रेम वेव वन बन रहा है इधर वेव वन, और वो वन टू थ्री फोर फाइव खत्म हो गया, फिफ्थ खत्म हो रहा है. सो डायगोनल्स आर आइदर लीडिंग और एंडिंग, लीडिंग और एंडिंग. और जैसे मैंने बताया वेव फिफ्थ फाइव इज कॉल्ड द टर्मिनल वेव, कि ये पूरा ट्रेंड ये वेव खत्म हुआ, हेंस द टर्म एंडिंग. उसके बाद एक फॉल आएगी, उसके बाद एबीसी फॉल. सो इसको डायगोनल बोलते हैं. डायगोनल्स आर ऑफ टू टाइप्स. डायगोनल्स कैन बी एक्सपेंडिंग, बहुत रेयरली मिलता है हमको एक्सपेंडिंग डायग्राम. ओके, उसमें ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा. ओके, गॉट द पॉइंट. ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, या तो कन्वर्जिंग होंगे. कन्वर्जनिंग आर व्हाट यू कॉल राइजिंग फॉलिंग वेज, राइजिंग वेज वैसे होता है. और एक्सपेंडिंग, जिसको अगर आप एचएमवी का लोगो देखोगे, वो द हॉर्न, the gramophone, right? So it's called a horn also that way. So ये structure dependent होता है, but this is normally a correction, like a expanding triangle or a converging triangle होता है. That's where the pattern comes
into our hand. So ye wave 4 ke ka ye ek hota hai wave 4 mein. Now this is the impulse structure. Like I said, 1 or 5 can be a diagonal, 3 is the normally the longest. Extended waves are found in either 1, 3 or 5, normally in third, in super strong stocks. Jahan trend bahut bada pakad raha hai, wo stock, wo pagal ki tarah bhagega, mana, yahan ab rukne nahi wala hai. Us type ke moves mein aapko milenge. And how do I do it? How does one elliptician do it? Is uses Fibonacci extensions and retracements as a follow through ki ye kitna ja sakta hai aur kitna bhagega aur kitna potential hai is stock mein. Especially if a stock is in a new territory, all time high par chal raha hai ya bahut bada deep correction ke baad turnaround aaya hai stock mein, will it further continue, will it further expand? Or newly listed stocks, newly listed mein bhi bahut sare aise cases milenge aapko jahan it just continues to run like that. Okay, so now this is your wave 3 ka wave 2. Now comes the next important factor. Now I'm going to get into correctives with you. Before I go into corrective, ek aur bar hum ye join kar. Now wave 2 and wave 4 jo maine aapko bataya corrective in nature hote hain. Wave 2 aur wave 4 ka certain rules hote hain. Now bahut kam rules hote hain. Ek cheez yaad rakhiyega, when you are doing Elliott, the impulse has to follow all the rules. Impulse has to be 5 up, impulse has to have third, which cannot be the smallest, impulse cannot see 2 go below 1, impulse normally will not see 4 go below into the area of 1 unless it's a diagonal, and uske certain rules hai. Impulse ke baad 3, 5 ke baad 3 banega. So they are like that obedient child in the house jo har baat sunta hai, har baat sahi karta hai, sab kuch karta hai. Jo corrective waves hote hai, that is wave number 2 and wave number 4, these are the pranksters of the house, these are the ones who are the black sheep of the house, these are the ones jo apne man marzi mein chalenge, ye apna inka koi mai baap nahi hota. You, it is in a impulse, it is easier to calculate ki ye target kya dega, hamara risk reward. In the case of a corrective, it's more difficult. Statistically proven bhi hai, you can get an approx area, but chances of failure are high out there also, because ye koi rule nahi follow, inka bahut kam rule following hai. So the first rule, which is mandatory in the Elliott wave principle for a corrective, is that it cannot be the entire structure of wave 2 and wave 4 cannot be ditto. So this wave, they cannot be ditto in terms of price and time. Agar samjhiye wave 2 mein 20 rupees ka decline aaya over a period of say 5 candles. Okay. Wave 4 cannot also do 20 and 4. Both price and time identical allowed nahi hai. They cannot copy paste each other. Allowed nahi hai. Either the price or the time or both have to differ. They cannot be identical. ये फर्स्ट रूल है उसका, ये दोनों कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते. आप ऐसे देखोगे वेव 1 वेव 5 एक दूसरे को कॉपी पेस्ट करते हैं, वेव 3 इज अ एक्सपेंडेड लाइक अ मैग्नीफाइंग ग्लास ऑफ व्हाट वेव 1 इज डूइंग राइट, और वो है. बट ये वेव 2 वेव 4 का अलग नाटक है, ये अपने ये लोग का वो राहु केतु चलता है इसमें बहुत ज्यादा. सो ये एक दूसरे को नहीं माना, दे कैनॉट बी अ कॉपी पेस्ट, देर हैज टू बी समथिंग डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर इन बोथ ऑफ देम, दे कैनॉट हैव द सेम थिंग. नंबर टू रूल. नाउ कमिंग टू द करेक्टिव पार्ट्स, लाइक आई सेड करेक्टिव का अलग ही नाटक होता है, वो अपनी ही दुनिया में चलते हैं. सो करेक्टिव्स आर ऑफ टू काइंड्स. ओके, करेक्टिव्स आर ऑफ टू काइंड्स. वन इज बेसिक, जो बहुत सिंपल होता है, and the other is complex, as the word goes, basic and complex. Jo basic corrective hoga wo is a feature of wave 2. Basic wave 2 can neither be a complex corrective nor can it be a triangle, it has to be a ABC basic corrective. Now ABC jo wave hota hai, this is an ABC, right? ABC waves are what we call
Now, again, this may be unfolding. That's why that is where the rules and tough guidelines come in. And ABC can be a zigzag. Isko hum zigzag bolte. ABC zigzag. Okay? ABC zigzag. Isko hum bolenge. Aur isme hamare paas ye ho gaya, ye niche aaya, ye upar gaya, ye niche aaya, aise. Okay? Now, the ABC zigzag, A can be 3 or 5. The subwave, the lower degree. Supposing ye aap weekly mein dekh rahe ho ABC formation in a stop, to jo A wave hai, wo ya to 1, 2, 3 hoga, ya 1, 2, 3, 4, 5. Wo A ko wo diya gaya chhoot. Wo jaise hota na, exam mein ek paper mat do, tumko promote kar denge hum exam mein. To iska wahi case hai, A wave ka. Ye 3 ya 5 ho sakta hai, iski marzi. उसको वो छूट दिया हुआ है दो पेपर छोड़ दो यू आर स्टिल प्रमोटेड एकदम ए कैन बी 3 or 5 बी हैज टू बी ओनली 3 वेव्स ओके हैज टू बी 3 इट कैन नॉट बी अ 5 बिकॉज अगर ये 5 वेव हो जाएगा इंटरनल स्ट्रक्चर तब तो वो इंपल्स हो गया देन इट्स नॉट अ करेक्शन तो इसका जो अनफोल्डिंग वेव हो रहा है ये वाला अगेन लेट मी ये वाला ये 3 होगा और ये जो सी वेव डाउन होगा ये प्रॉपर 5 वेव स्ट्रक्चर होगा Five wave structure. Ye wala. Ye. So 3 or 5? 3, 5. So if I unfold this wave now for you. Because tabhi downtrend ke andar wo ek counter Elliott wave banega na. Right. Aur ek aur catch hai uska ki bahut log ek ABC ke baad bearish ho jate market mein. Ya ultra bullish ho jate. They don't. So one of the rules of Elliott is that you must wait for how the succeeding wave unfolds. You must look at the structure. Supposing ye aapka wave 1 hi hota, agar samjhe, yahan par, ye wave 1 hai. Ye wave 2 ho sakta tha na, khali 3 wave hai. Yahan par hi khatam ho gaya. So you have to see how it unfolds, how the Fibonacci's are being placed in the wave. Aur ye ho gaya hamara 5 wave down. सर मैं थोड़ा सा सिंपलीफाई करता हूँ इसको अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमारी फर्स्ट हमारा जो अपट्रेंड था वो वेव 5 तक गया 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है उसके बाद जो करेक्टिव वेव आया दैट वाज ए बी एंड सी आप ये कह रहे हो कि जो ए बी सी का जो स्ट्रक्चर है विच इज एक्चुअली करेक्टिव स्ट्रक्चर इट विल फॉलो द इनवर्स ऑफ द इलियट वेव 1, 2, 3, 4, 5 राइट करेक्ट काउंटर ट्रेंड होगा वो काउंटर ट्रेंड मतलब स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर बनते जाएंगे उसके राइट लोअर डिग्री सो यू आर गोइंग फ्रॉम प्राइमरी इंटरमीडिएट माइनर माइन्यूट सब माइनर वैसे वेव्स डाउनवर्ड जाते हैं उसमें सो अगेन फॉर अ बिगिनर आई वुड सजेस्ट बहुत लोअर टाइम फ्रेम में मत जाइए ट्राई टू स्टिक टू हायर टाइम फ्रेम्स बिकॉज लोअर टाइम फ्रेम में क्या होता है वेव फेलियर्स बहुत होते हैं So you'll have a problem there. वहाँ problem हो सकते हैं आपके. And I think कि जो ये इतने बड़े आप cycles की बात कर रहे थे, those cycles were actually meant for the commodities market because commodities are the one that are around for such a long time and stocks gold, silver, currency, crude. Yeah. Stock, हाँ, हमारे मार्केट में इतना डेटा नहीं है 30 years है तो वी डोंट गो इनटू सुपर साइकिल राइट नाउ सो बट एनीवे इसको हम ऐसे अनफोल्ड करते हैं नाउ लाइक आई सेड ये वेव ए एबीसी बनेगा सो एज एन एलिट ट्रेडर और इन्वेस्टर हाउ डू आई नो कि ये सिर्फ ए है ये एबीसी कंप्लीट नहीं हुआ है बिकॉज देखेंगे तो बड़ा छोटा डिग्री का एबीसी हुआ है ना सो द रूल नंबर 1 कि आप फिबोनाची लगाओ जो प्रीवियस रैली है कितना रिट्रेस हुआ हैज इट कम टू एन इंपॉर्टेंट फिबोनाची नंबर 23, 38, 50, 62 लाइक दैट कितना रिट्रेसमेंट हो रहा है उसका सो दैट गिव्स यू नंबर 1 आइडिया नंबर 2 अगर प्रीवियस वेव का 5 अप हुआ है कि अभी 1, 2, 3 है और अगर 1, 2, 3 में वो वेव 1 को पेनेट्रेट नहीं कर रहा है उसका दैट मींस इसमें अभी वो माना यू नीड फिबोनाची जस्ट टू बैक यू अप देयर नंबर द अदर वे इज ये जो नेक्स्ट वेव अनफोल्ड होगा नेक्स्ट बी वेव ओके ये 3 वेव ही होगा ये 5 हो नहीं सकता है ये 3 वेव ही होगा दिस वेव बी इसमें अभी और आता हूं अभी एक्सपेंड करूंगा उस बात को सो दिस विल गिव यू अनदर पिक्चर सपोजिंग आपने बाय चांस इधर लॉन्ग कर लिया कि ये तो एबीसी खत्म हो गया
इधर मैं खरीद लेता हूँ इसको, राइट, बट इट अनफोल्ड्स इनटू ओनली अ 1-2-3 स्ट्रक्चर, गेट आउट ऑफ द स्टॉक, गेट आउट ऑफ इट, बिकॉज ये अब सी वेव डाउन ले आ रहा है आपके लिए. ओके, सो द कैच इज हाउ द वेव अनफोल्ड्स एंड द फिबोनाची लेवल्स. सो ये ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा और जो सी वेव होगा वो प्रॉपर 5 वेव डाउन बनेगा, 3-3-5 या 5-3-3. बाय चांस ये वेव ऐसा कुछ कर रहा है. ओके, ऐसा कुछ कर रहा है तब तो नो ब्रेनर है, 5 डाउन बना है, ए ऑफ एबीसी बना है, अब बी बनेगा उसको आप शॉर्ट करो फॉर सी डाउन, या तो अगर आप फंस गए हो स्टॉक में निकल जाओ डी वेव में, सी डाउन आपको मिलने वाला है उस केस में, राइट. सो दिस इज योर द easiest to understand ABC structure, which is called a zigzag. Okay, Elliottans इसको zigzag बोलते हैं, ABC Z की तरह. Now coming to the next part, as we develop further into this. So ये जो आपने देखा 353, इसमें भी variations होते हैं, जैसे कि पता ना बहुत बड़ा नाटकबाज जिसको बोलते हैं हम स्टडी है करेक्टिव में, ये जो है कभी कभी ऐसा करेगा, वी विल गो अबव ए. इसको वैलिड है इरेगुलर इरेगुलर. रिमेंबर व्हाट व्हेन आई स्पोक टू यू अबाउट द इंपल्स, आई सेड टू कैन नेवर गो बिलो 1, राइट, टू कैन नेवर गो बियॉन्ड, राइट, बट डी वेव जा सकता है ए के ऊपर, डी वेव जा सकता है, इसका अलग ही नाटक है इसका. इररेगुलर करेक्टिव, और यू कैन से एक्सपेंडेड बी, हॉरिजॉन्टल बी, एक्सपेंडेड बी बोलते हैं, और वहां से आएगा. अगेन हाउ डू आई नो दैट दिस इज, इसमें कुछ गड़बड़ हो रहा है, अनफोल्ड हो रहा है, ये 3 वेव स्ट्रक्चर होगा, 3 वेव स्ट्रक्चर होगा ये, और फिर ऐसे अनफोल्ड करेगा अपने आप को, ऐसे ऐसे अनफोल्ड करता है इनटू अ 5 वेव स्ट्रक्चर. ओके, ये हो गया इररेगुलर ज़िगज़ैग, इररेगुलर बी बोलते हैं इसको. फिर आते हैं हम रेगुलर बी पर. ओके, रेगुलर बी विल डू समथिंग लाइक दिस, वो एग्जैक्ट जहां ए खत्म हुआ ना उसके पास जाके बंद हो जाएगा. आपको लग रहा है अभी भी ये गिरेगा नीचे से, यहां से तो अब और गिरेगा, अब तो शुरू हुआ है, ये एक डबल बॉटम की तरह करके वापस भाग जाएगा ऊपर, ऐसे रेगुलर बी बोलता है, जहां जहां ए खत्म हुआ उसके इर्द गिर्द जाके डबल बॉटम बना के घूम गया वहां से. इसीलिए बोला ना मैं कि करेक्टिव में एक्यूरेसी ऑफ टारगेट्स आर वेरी डिफिकल्ट, यू हैव टू सी हाउ इट अनफोल्ड्स. बहुत बड़ा नाटकबाज वेव होता है, बहुत ड्रामा है, ड्रामा क्वीन, करेक्टिव्स आर ड्रामा क्वींस. ओके, देन कम्स the fourth kind of ABC zigzag, which is a running flat. इसको हम running flat बोलते हैं. A running flat will end above A. Will end above A like this. Okay. Running flat. यहाँ आप wait कर रहे हैं A to C होगा, ये नीचे आएगा, ये पहले ही महाराज भाग गए घूम के यहाँ से. सबको फंसा दिया, लोगों ने लगा ये, दिस इज यू नो. सो वन ऑफ द ब्यूटीज अबाउट एलियट इज दैट द एंडिंग ऑफ अ वेव, वेदर इट इज अ बुलिश और बेरिश, द वेव द मार्केट न्यूज विल ऑलवेज बी काउंटर टू इट. सो जब वेव 5 खत्म होता है मार्केट में इतना यूफोरिया होता है, इतना ऑप्टिमिज्म होता है कि कल जैसे अभी जैसे इंडेक्स अपना निफ्टी 22,600 है, कल जैसे 24,000 हो जाएगा. There will only be good news. But the market tends to discount things, you know, much better. Similarly, जब market bottom out हो रहा था 16,200, 16,800, 18,800, the wave will tell you the direction कि don't fall for the news now. Be careful. इसीलिए the good elitician, a smart elitician, tries to get out of a stock in the third of the fifth. वो फोर्थ और फिफ्थ को ट्रेड ही नहीं करता है, द लास्ट टर्मिनल, वो एंड का रेसिड्यू क्रम्स को छोड़ देता है, बोलता है नहीं इसको नहीं ट्रेड करूंगा, लेट इट बी, डोंट ट्राई टू ट्रेड एवरी पार्ट ऑफ एवरी ट्रेंड. सो इन एलियट दे से द सब
माइनर वेव, द लोअर डिग्री वेव ऑफ द फिफ्थ वेव जो खत्म हो रहा है उसको हाथ मत लगाओ, साइड में बैठ जाओ, रिवर्सल को ट्रेड करना है हमको। सो ये हो गया आपके एबीसी। एबीसी कहां मिलेंगे आपको? एबीसी मिलेंगे वेव टू में मैंडेटरी, वेव फोर में भी हो सकते हैं। वेव फोर कैन डू एनीथिंग, वो अपने मन का राजा है, वो कुछ भी कर सकता है एकदम। सो वेव टू थोड़ा सा सिंपल अंडरस्टैंडिंग में, उसमें ट्राइंगल नहीं हो सकता है, उसमें कॉम्प्लेक्स वेव नहीं बन सकते। ओके, सो लेट मी जस्ट रिमूव दिस वंस मोर एंड अगेन लेट मी नाउ कम टू वेव फोर। नाउ बिकॉज वेव थ्री tends to be the longest wave, not mandatory, it can never be the shortest wave, it is tends to be the longest of the Elliott waves and it has what you call, because of price and time, price mein itna bhaga hai, so now market needs to cool down, right? Jo hum indicator wave studies mein bolte hain, overbought ho gaya, ya jo bhi indicator hota hai hamara, so ye Elliott ka interpretation hai ki wave 4 tends to be the longest in terms of time. In terms of price, mostly wave 3 longest hota hai. In terms of time, wave 4 hota hai. So wave 4 can be any corrective. It could be a basic ABC, which was zigzag, irregular, regular, running. Kuch bhi ho sakta hai. It can be a triangle. Remember, wave 2 can never be a triangle. Okay, wave 2 can never be a triangle. Or it can be a complex wave, which I'm coming to now. Complex wave. So all three combinations it can do, because this is the time when the market is extremely hot. Wave 3 super duper sab log ghus gaye stock mein, sabne pile on kiya, sabne bahut lamba paisa banaya. Ab thoda profit booking hota hai, people are sitting on the side, valuation wise, intrinsic value boliye jaisa bhi aap usko describe karna chahte ho, that is a stage when market is cooling a bit. So this cooling may not happen in terms of price that much, will happen more in terms of time. So again, like I said, basic ho sakta hai. Now triangles are structures like this, 1 minute, either like this. A triangle is, the definition of a triangle is that the price has corrected in terms of time, not so much in terms of price. Now triangles will have a 5 base structure, 5 structure hote hain, 5 wave hote hain, all corrective in nature. The impulse is also 5, a triangle will also have 5, but the internal of the triangle will be ABC, 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 ABCs. So they will look something like this. Aisa dikhega. Ye iske pehle wave 3 khatam ho gaya hai, ya A wave khatam ho gaya hai, yahan par, okay, triangle ban raha hai, aisa. वेव खत्म हुआ, इंपल्स वेव, ट्रायंगल। प्राइस टर्म्स में ज्यादा नहीं होता है, टाइम वाइज बहुत टाइम खाता है, और इसकी जो इंटरनल होगी विल बी लाइक दिस, इट विल नॉट बी मेकिंग इंपल्स। सो दैट्स व्हाई यू नो, यहां पर व्हेन आई से ना, किसी को अगर एलियट करना है तो जो एलियट की जो बुक्स है या हुएवर यू लर्न फ्रॉम, डू इट, don't just read it once, read it 2 times, 3 times, 4 times, jabhi bhi free ho, whether you have taken years of practice, read it again, because every time you read it, every time you go through the rules, you realize, yaar ye maine bhul gaya, ye main bhul gaya, ye dekhna nahi tha, ye dekhna chahiye tha. So you have to look at Elliott with a very critical mind. So aisa structure hota hai iska. Now again, in a descending triangle or an ascending triangle, and I think that is why it is difficult, because you have to think in multi dimensions here. Absolutely, pura. And aisa structure hota hai triangle ka. Okay, so triangles. हाँ जी. एक चीज मैंने note की है कि जितने भी major या price action के अंदर जितने भी major हम लोग price patterns की बात करते हैं, wedge हो गया, consolidation हो गया, triangle हो गया, rectangle हो गया, I think they are all becoming part of the Elliott wave itself. Yeah, Elliott is heavily about structure. Elliott doesn't give a, अगर कोई Elliott में बोल दे ना कि ये time में ऐसा बनना है, Elliott को सिर्फ proper structure से मतलब है, look से मतलब नहीं है, structure क्या है, wave का count क्या है, Fibonacci क्या दिखा रहा है, और trend lines,
सिर्फ जो हमने स्कूल में ज्योमेट्री में लाइन ड्रॉ करना सीखा है, ट्राइंगल बनाना सीखा है और आर्ट क्लास में ड्रॉइंग करना, ट्रेंड लाइंस, ये सिर्फ लाइंस पर चलता है पूरा, कुछ नहीं करना है इसमें और कुछ नहीं करना होता है। यस, रूल्स फॉलो करिए एंड इट्स लाइक मैजिक, इट्स एन एब्सोल्यूट मैजिक स्टडी इसमें। सो अगेन, सो ये जो ट्राइंगल है, ये भी जो दो मैंने और ट्राइंगल बनाए हैं, ट्राइंगल्स विल ऑल्सो हैव इंटरनल एबीसी 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 बनेगा, इम्पल्स नहीं बनेगा इनमें, एबीसी बनेंगे पूरा। ओके, सो सेकंड स्ट्रक्चर ऑफ द एलियट वेव थ्योरी इज दैट इट इज अ टाइम वाइज करेक्शन, टाइम वाइज करेक्शन है ये, नॉट अ प्राइस वाइज इट डज दिस। नाउ कम्स द कॉम्प्लेक्स वेव, जो सबसे बड़ा नाटकबाज वेव होता है एलियट का, ड्रामा क्वीन ऑफ द एनी एक्सटेंट, फ्रस्ट्रेट कर दे किसी ट्रेडर को। और लोअर टाइम फ्रेम, इफ यू आर अ करेंसी ट्रेडर, करेंसीज में बहुत होता है, करेंसीज कमोडिटीज में बहुत फ्रीक्वेंटली मिलता है, बिकॉज अनलाइक इक्विटी करेंसीज मूव इन अ स्मॉलर रेंज, यू नो, एक साथ डॉलर 83 का 88 नहीं जाता है, इट टेक्स इज ओन स्वीट टाइम टू गो फ्रॉम 83 टू 88 और फ्रॉम 80 टू 75 लाइक दैट, सो इट टेक्स इट्स उनका ओन होता है। उसमें कॉम्प्लेक्स वेव्स लोअर टाइम लोअर डिग्री में बहुत बनते हैं, बहुत बहुत जबरदस्त बनते हैं। सो व्हाट इज अ कॉम्प्लेक्स वेव? ओके, कॉम्प्लेक्स वेव्स आर ऑफ टू काइंड्स, वन इज कॉल्ड अ डबल ज़िगज़ैग एंड वन इज कॉल्ड अ ट्रिपल ज़िगज़ैग। एक बोलता है रुको मैं तुम खाली डबल से परेशान हो, अभी मैं तुमको ट्रिपल दिखाता हूं लाइक दैट। सो इन एलियट वी कॉल दिस डब्ल्यू एक्स वाई, डबल ज़िगज़ैग को हम डब्ल्यू एक्स वाई बोलते हैं, डब्ल्यू एक्स वाई, और ट्रिपल को बोलते हैं डब्ल्यू एक्स वाई एक्स ज़ेड। ओके, दीज आर द टर्म्स विच आई यूज। नाउ व्हाट इज अ डबल ज़िगज़ैग? अभी करेक्टिव जो फॉर्म होता है, ये एबीसी हुआ राइट, इन अ इन अ इन अ डब्ल्यू एक्स वाई, ट्रिपल लेग, ट्रिपल लेग, थ्री 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 थ्री, ऐसा करेक्शन करेगा ये। थोड़ा ट्रिकी होता है ये। अगेन, वेयर इज इट फाउंड? इट्स फाउंड इन वेव फोर एंड इन बी वेव्स, बी वेव में, वेव टू में नहीं बन सकता ये, वेव टू में इसका बनना अलाउड नहीं है, ऐसा कुछ करेगा। फिर अगेन आपको ये ए वेव का इंटरनल, बी वेव का इंटरनल, सी वेव का इंटरनल, सी ए बी सी बना, थ्री 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 फाइव, फिर ये थ्री थ्री फाइव, फिर ये थ्री थ्री फाइव, ऐसा बनेंगे और फिर इसके भी इंटरनल होंगे ऐसे। सो दिस इज डब्ल्यू एक्स वाई, ओके, डब्ल्यू एक्स वाई। Okay. This is what a WXY looks like. Okay. WXY corrections. Wave 4 or wave B mein bante hai, not in a wave 2 at all. Okay. Now, phir aate hai triple zigzag ko likhe. Isko ek baar mein clear kar. Triple zigzag. Elliott wave, triple combo wave bolte hai isko. ऐसा दिखेगा आपको। ओके, एक मिनट, मैं एक बात उसका आपको बोलना भूल गया। ये डब्ल्यू एक्स वाई डबल ज़िगज़ैग जो मैंने बनाया था, इसमें एक रूल है, एक्स कैन नॉट गो अबव ए, एक्स कैन नॉट गो अबव दिस लाइन। ओके, एक्स हैज टू बी बिलो। इसमें एक्सपेंडेड जो एबीसी में एक्सपेंडेड इररेगुलर बी होता है ना, कि बी गोज अबव ए, इसमें अलाउड नहीं है डब्ल्यू एक्स वाई में। एक्स हैज टू बी बिलो, एक्स हैज टू बी बिलो दिस। और इसमें आते हैं, इसका भी जो वेव है ट्रिपल, इसको ट्रिपल ज़िगज़ैग बोलते हैं हम, एबीसी एबीसी एबीसी
सर या तो मुझे कहीं पे थोड़ी सी कंफ्यूजन लगी है या मैं कोई पॉइंट इतना सारा कुछ ग्रैस्प करते करते मिस कर गया हुआ हूँ, ठीक है? जो एबीसी होती है वो करेक्टिव होती है ना? राइट राइट, मतलब हाउ दीज ऑल कैन बी एबीसी, इट हैज टू बी 1 2 3 4 5 एंड देन एबीसी ना? दैट्स व्हाई व्हेन आई स्टार्टेड आई सेड व्हाट इज द रूल ऑफ एलियट आफ्टर एवरी 5 वेव्स a counter 3 wave structure will take place, right? And I also said it is not necessary ki after a 3 wave a 5 wave will happen. 5 ke baad 3 mandatory hai, 3 ke baad 5 mandatory nahi hai. That's why inka alag natak hota hai correction mein ekdam. Okay, so this is what the complex wave looks like. Complex waves ke kuch rules, okay? Right, complex x ke rule, the first x triple x w x y x z mein, this x cannot go above 1 minute zero. It cannot go above here. This next x cannot breach this way. Cannot go above that. Okay. ये दो रूल होते हैं इसके. This Z can end before this. चलेगा. Okay. वो चलेगा. But ये X ऊपर नहीं जा सकता उसके. So again बहुत सिंपल रूल करते हैं हम इसमें एलियट में. We draw trend lines. To catch these waves. Okay. यहाँ से गिरेगा. यहाँ पर इसका वेव स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा और ये करेक्शन यहाँ पर हमारी खत्म होने की चांसेस बहुत है. सो वी डू दिस नाउ. द डबल ज़िगज़ैग व्हिच इज द डब्ल्यू एक्स वाई और द ट्रिपल ज़िगज़ैग व्हिच इज योर व्हाट वी कॉल डब्ल्यू एक्स वाई एक्स जेड. या दीज टू कैन इन अ सेंस व्हाट वी कॉल व्हाट यू कॉल इनमें zigzag हो सकता है, irregular हो सकता है, expanded हो सकता है, triangle हो सकता है, सब कुछ allowed है इनमें. But triangles जो होंगे वो normally y wave में मिलेंगे आपको. In a triple normally y wave में triangle मिलेंगे या b waves में जो internal b waves होंगे ना उनमें triangle बनेंगे उसमें. Okay, so this is the structure of the double zigzag, triple zigzag, wave 2, wave 4. Okay. ये हो गया हमारा corrective का ये part. Now the last part of the corrective wave, जो ABC बन रहा है, whether it is a wave 1 का, wave 2, or whether it is a wave 4 का, या internal wave का wave B बन रहा है, जो wave B है, like we already know कि ये ऊपर भी जा सकता है, ये यहाँ भी रह सकता है. Wave B can be a triangle, be a 3-wave structure होता है, or a triangle. ये ट्रायंगल हो सकता है. सो आप बहुत बार देखोगे मार्केट में ऐसा फॉल आया, राइट, उसके बाद एक ऐसा स्ट्रक्चर बनता है. ऐसा ट्रायंगल बनता है और स्टॉक धमाल से गिरता है यहां से. यस. सो ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज नथिंग बट एन एबीसी फॉर्मिंग इन द मार्केट. जो ट्राइंगल अनफोल्ड होगा ना, वंस द 5 पॉइंट्स ऑफ द ट्राइंगल आर डन, द 5 पॉइंट्स ऑफ द ट्राइंगल विच वुड बी, सॉरी, ये जो अनफोल्ड होगी यहां से ई पॉइंट से, बी जो बी खत्म हुआ, this will be a 5 wave down structure. This ye 5 wave down hai. So you can take advantage by shorting this, or you can wait for the 5 wave structure to end and then go long in it. And use fibonacci isme bahut kaam karta hai. So ye raha aapka fibonacci trading view mein.
Fibonacci retracement, Fibonacci trend extension. Retracement is to calculate wave 2, wave 4 का क्या होगा या wave B, wave A का कितना pullback दे रहा है और trend based extension to calculate your wave 3 का length, wave 5 का length उसमें या wave C कहाँ तक जाएगा उसका extension करने के लिए. So impulse easier to calculate, ABCs नाटक बाज ड्रामा बाज. You have to be very, very critical. You have to control your bias. So, इसीलिए बोलते हैं 99% of those who analyze Elliott wave are fantastic in the past with retrospect aspect. What is happening on the left of the screen, they are brilliant at that because वो तो already plotted है ना. वो तो आपको सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, W, X, Y, X, Y, Z लगाना है. It's the crucial part of what is on the right of the screen, the uncertain portion. कि वो कैसे अनफोल्ड होता है. सो हियर ए कंट्रोल योर बायस, बी वेरी क्रिटिकल ऑफ योर काउंट, कीप एन अल्टरनेट काउंट ऑलवेज इन हैंड एंड एज इट अनफोल्ड्स गेट एग्रेसिव विद दैट ट्रेंड. एंड इफ यू बाय चांस आपने कोई ट्रेड एंट्री ली है कि यार ये तो एबीसी खत्म हुआ अब इसमें मैं एंट्री लेता हूं इम्पल्स का, तो अगर गलती हो गया समझो वो एबीसी सिर्फ डब्ल्यू था या सिर्फ ए था, अभी बी वेव या एक्स वेव अनफोल्ड हो रहा है जो आपको बता देगा वो एबीसी बनेगा. एक्स वेव भी एबीसी होता है नेचर में और बी वेव भी एबीसी होता है नेचर का. सो ये इंपल्स नहीं बन रहा है तो निकल जाओ स्ट्रेट से. डोंट बी रिजिड एंड होल्ड ऑन टू योर ट्रेड विच इज गोइंग टू गो रॉन्ग नाउ. सो यू हैव दैट इज वाई दीज रूल्स आर इन एलियट आर सो क्रूशल टू अंडरस्टैंड इन दैट नेचर. सो बिफोर आई गो इन टू एग्जाम्पल्स विथ यू रोहित, what I would like to say is that the basic rules are simple. What makes it tough for the beginner is the complexity of guidelines. That is, once you understand the guidelines, once you respect the guidelines, the results are always good. So it's always, you know, jo bolte hai na, hard work ke baad hi result milta hai. There's no shortcut, na? There's no free lunch in the highway. So agar sab kuch free chahiye to yaar fir जाओ लंगर खाने गुरुद्वारा मंदिर में ऐसे खाओ जाके, उसमें क्या मिलेगा आपको, पकवान थोड़ी उतना मिलेगा आपको. इफ यू वांट टू वर्क हार्ड इट्स लाइक यू नो आपको मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट का खाना चाहिए और वो भी रोड साइड स्टॉल में. रोड साइड स्टॉल का खाना भी अच्छा होगा बट वो कम्फर्ट, वो 7-course meal वो सब चाहिए तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है ना. सो ट्राई टू डू दैट एंड ऑलवेज कीप योर ऑल्टरनेट काउंट ओपन फॉर वॉट कुड अनफोल्ड next. And always a good elitian always learns his abc. abc learn karoge tabhi impulse pakadoge, aur ek bar impulse pakadna seekh jaoge aap to aap wave 3 pakadoge aur wave 3 par jo paise banenge wo kabhi nahi. You are the early bird in the wave 3. You are catching a wave 3 which is going to unfold, may unfold into an extended wave and you can make a lot of money. Supposing aapne lower quantity, chota quantity kharida after the abc and then it unfolds and in the unfolding you see अरे ये तो extended wave 3 बन रहा है. तो imagine करो आप तब और quantity add कर रहे हो to make it a bigger run, बाकी सब उस समय exit कर रहे हैं उससे. So look at it from that angle also. It's a beautiful study. So before I do examples, Rohit, any doubts, questions you would like to take with me? नहीं, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा practice चाहिए. That is what I have understood. Absolutely, absolutely. बिना practice भी नहीं करेगा. बिना प्रैक्टिस नहीं चलेगा. आपने बोला था कि आप बेसिक कराओगे, आपने मास्टर क्लास करवा दी हुई है. अब नाउ इट इज ऑन प्रैक्टिस. नहीं नहीं, ट्रस्ट मी व्हाट आई हैव जस्ट स्पोकन टू यू इज यू नो रीडिंग एन एट टाइम्स एलियट. ओके, जब भी माना और यू नो व्हाट हैपेंस, ये ह्यूमन टेंडेंसी होता है. हम कब रिवाइज करते हैं, जब कोई ट्रेड में हमसे गलती हो गई या कोई इंटरप्रिटेशन में गलती हो गया, वापस जाके पढ़ते. सो दोज हु आर वॉचिंग दिस वीडियो, Elliott is something you need to revise constantly. Constantly जाके वो किताब पढ़ो, उसको revise करो, उसके rules पढ़ो, उसको follow करो और देखो. And for beginners, I would suggest कि इसको आप intraday या swing trading छोटे trades के लिए मत use करो, beginners के लिए. Once you get a hang of it, once you understand, try to understand it as an investor. Try to get the bigger picture of Elliott and then understand. And that's the beauty. इसीलिए Like I said, जो अच्छा एलिटेशन होता है ना वो टर्मिनल वेव के साथ नहीं रहता है, वो साइड में बैठ जाता है और रिवर्सल का ट्रेड वेट करता है या पुल बैक खत्म होने पर एंटर करेगा. हेंस लर्न योर एबीसी. सो लेट्स डू सम एग्जाम्पल्स
I'll do with you out here. सबसे पहले I'm going random wise. Okay, I'm going to show you the beauty of, like I said, na, as an investor, आपको कितना benefit हो सकता है. So this is South Indian Bank, and I'm going to the monthly time frame chart out here. Okay, so look at the COVID low. So उसके पहले का थोड़ा मेरा debatable है. Again, like I said, alternate count. So मेरे reading में, in the formats listing, this was wave one, this was wave two. This was third wave का one, extended third wave. Third wave अभी unfold. This was a pullback of wave two. ABC है देखो structure यहाँ पर. ABC structure, right? पूरा ABC है. So मेरे हिसाब से ये third का second खत्म हुआ, फिर third का third खुल रहा है. उसमें भी extended waves बन रहे हैं. That is one count. Okay, always have your other count ready in your hand. So the other count I had was this, ki ye hua A wave, ye expanded B, ye C. In either case, ya to ye wave 3 ka 2 tha, ya to ye bada wala second wave yahan khatam hua. Ek second. Bada wala second wave yahan khatam hua. So in either case, an impulse third wave is unfolding in a stock which you want to take advantage of. And like I said, third is normally the biggest in terms of price and time. Okay, ye quarterly chart. So I'm going to go into monthly again. Look at the expanded wave which is happening. Ye pehla LD hai, leading diagonal. Ye dekhiye. Like I said, na, wave one tends to be the leading diagonal. इसमें वेव फोर टू वन का टेरिटरी में घुसता है. ओके, वन टू थ्री फोर फाइव पुल बैक हुआ वेव टू, अनफोल्डिंग इनटू अनदर वेव, इंटरनल वेव थ्री फॉलो फॉर्मेशन हो रही है इसकी. सो एक्सपेंडेड वेव हो रहा है. वेव इज एक्सपेंडिंग, इंटरनली एक्सपेंड हो रहा है और ये बढ़ते जा रहा है इसमें. So, as an investor, this is the beauty. The other studies, whichever indicator-based study आप use करोगे, वो काफी late आए होंगे picture में to say this is the beauty of a buy. Maybe after 12 or after 18, they give the signal. But हमको तो signal यहीं मिल गया, 4 रुपया, 7 रुपया, ऐसे signal मिल गए हमको कि ये इसको पकड़ना है और अब इसको लंबा चलाना है हमको. Okay, so और हमको टारगेट क्या प्लॉट करना है, हमको तो वेव अनफोल्ड हो रहा है, वेव को हम वैसे प्लॉट कर रहे हैं फर्दर एक्सपेंशन के लिए. सो दैट वाज योर एक्सपेंडेड वेव विद अ एलडी आल्सो इन इट. नेक्स्ट आपको दिखा रहा हूं निफ्टी में, कॉम्प्लेक्स वेव दिखाता हूं आपको. सर कहीं पे सिंपल वेव भी अनफोल्ड हुई है? बहुत बहुत जगह होंगी ना, होंगी ना. एक सेकेंड, ये देखिए, ये एक ये जो हमारा करेक्शन हुआ है, ये वाला फ्रॉम दिसंबर 22 टू आपका ये, नॉट दिस वन, आई मार्क्ड इट. इसको अगर वीकली में देखें थोड़ा बेटर होगा. एक सेकेंड, लुक एट दिस वेव अनफोल्डिंग. ये कॉम्प्लेक्स वेव था जो अक्टूबर 21 टू जून 22. सी द स्ट्रक्चर, एबीसी फॉर्मेशन, डब्ल्यू एक्स वाई एक्सजेड, ट्रिपल जिगजैग जिसको हम बोलते हैं, इसका इंटरनल ये ऐसे गिरा था पूरा. सी एक्स कैनॉट गो अबव द स्टार्ट, एक्स कैनॉट गो अबव दिस एट ऑल, और ये ऐसे अनफोल्ड हुआ था पूरा. सो हाउ वुड एन एलिटिशियन कैच इट, दैट ये रिवर्सल अभी तक नहीं हुआ है, अभी भी करेक्शन है. ये जो एक्स वेव अनफोल्ड हुए थे, ये जो वेव अनफोल्ड हो रहे थे, ये करेक्टिव नेचर के थे. ये फाइव वेव अप स्ट्रक्चर नहीं था, ये वापस फाइव वेव अप स्ट्रक्चर नहीं था यहाँ पर. सो दिस इज हाउ वी कैच कि ये गड़बड़ वेव में, इसको संभल के रहो इससे. ओके, ये हुआ डब्ल्यू एक्स वाई एक्सेट. नाउ लेट्स गो टू, ओके, एक आपको दिखा रहा हूं करंट. नाउ
again, like we say, we keep an alternate count in mind. This is current scenario. Bank Nifty. Wave one. Wave two. Okay. Wave three unfold well into a larger wave. Larger wave. Dekhiye. 1, 2, 3, 4, 5. Wave three. ये expanded wave बना, फिर ये fourth wave बना, इसका, और फिर fifth. Now this is one what you call count we have. We always have to be critical, crucial about the Elliott count कि हम कुछ what you call, you know क्या होता है? हमारे अंदर की bias भी बाहर आ जाती है. Because it's basically reading emotion, right? So जो हमारे मन में हम वही खोजते हैं screen में. So you have to be very critical about the count. अगर मैं इस count के हिसाब से जाता हूँ, तो एक five verb structure Nifty का, bank Nifty का खत्म हुआ है. मतलब a bigger ABC will unfold from here. For that, this trend line has to be violated on the downside. This trend line. इसको unfold होना पड़ेगा और तब जाके एक बड़ा wave structure अनफाइंड डाउनलाइन आएगा. दूसरा इसको नेगेट करना है मुझे. अगर समझो कि नहीं, ये मेरा वेव काउंट गलत है और दिस शुड अनफोल्ड इनटू अ बिगर वेव, तो उसके लिए ये वेव फाइव इधर खत्म हुआ है. ये वेव फाइव राइट इधर खत्म हो गया है और उसके बाद बैंक निफ्टी ने एक ऐसा करेक्शन दिया है हमको. एबीसी कंप्लीट और यहां से नया इंपल्स चल रहा है. वो इंपल्स का वेव वन खत्म हो गया, वेव टू खत्म हो गया. ये ट्रेंड लाइन के ऊपर निकल जाएगा. ये जो इसको जो ट्रेंड लाइन आप देख रहे हो, वीकली का जो ट्रेंड लाइन है, सी एवरी टाइम इट हैज गॉट रिजेक्टेड नियर दिस ट्रेंड लाइन राइट. सो इट विल ब्रीच अबव द ट्रेंड लाइन एंड इट विल कंटिन्यू टू रैली ऑन द अदर साइड. द अदर थिंग, लॉट ऑफ ऑल्टरनेट वेव्स कैन कम आउट ऑफ दिस in the sense that yahan khatam ho jayega. Aur ye wave 1 tha. Aise shuru ho jayega. Aisa. So you have to keep the alternates in hand in Elliott. जो रूल्स को फॉलो करे, स्ट्रक्चर दिखाए आपको, वैसे करो. तो फिलहाल का जो स्ट्रक्चर मेरे सामने आ रहा है बैंक निफ्टी का, वो थोड़ा सा डरा रहा है मुझे. नाउ अगेन आई सेड कि आई कैन नॉट जस्ट बी 100% कि यार यही हो रहा है. ओके, आई हैव टू फॉलो रूल्स, आई हैव टू सी हाउ इट अनफोल्ड्स. सो फ्रॉम हियर, बिकॉज ये वीकली स्ट्रक्चर है, लेट्स कम टू द डेली. यहां पर अगर मैं अनफोल्डिंग में एबीसी जैसा स्ट्रक्चर देखूंगा और कैसे वो यहां से टर्न अराउंड करेगा, आई विल टेक माय डिसीजंस एंड अनफोल्ड द वेव अकॉर्डिंगली. उसमें आई विल सी, अगर समझे ये ऐसा गिरता है कुछ, आई विल देन कैलकुलेट कि यार ये ए ऑफ वेव बी था क्या, या ये कैसा अनफोल्ड हो रहा है, उसको वैसे देखूंगा मैं पूरा. Provided ये अपर ट्रेंड लाइन को ब्रीच करके ऊपर नहीं जाता है यहां से, बिकॉज इसका लोअर टाइम फ्रेम एक्चुअली कल ही बना ना. अभी टू अर्ली टू कॉल इट अ रिवर्सल है, टू अर्ली टू फाइव वेव स्ट्रक्चर या नहीं बनाया अभी तक, तो वो अनफोल्ड होगा, स्लोली अनफोल्ड होगा. तो वी हैव टू कीप अ एब्सोल्यूट अनबायस्ड माइंडसेट व्हेन यू ट्रेड एलियट. एकदम बिल्कुल दिमाग ना करके इसको, बिकॉज ये देखो ये वेज जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, कन्वर्ज वेज जैसा स्ट्रक्चर है. इट कैन बी अ रिवर्सल या सो स्क्वीज. तो दैट्स व्हाट मेड मी थिंक कि यार ये डू नॉट रूल आउट दिस. सी हाउ इट अनफोल्ड्स एंड देन वी विल लुक एट द पिक्चर आउट हियर. सर अगेन एक चीज देखो, आपने जैसे बताया कि जो 5 और 3 का पॉइंट है, जो एक ऑलरेडी थर्ड वेव आपके अकॉर्डिंगली बन चुकी है, ठीक है. अब अगर मुझे उसके ऊपर फिबोनाची ट्रेस एक्सटेंशन लगा के देखना हो कि वेयर कैन दिस 5 गो, वो कैसे लगाओगे सर आप इसके ऊपर? तो देखिए, उसमें दो चीज कर सकते हैं आप.
या तो ये जो थर्ड वेव खत्म हुआ है इसको हम ऐसे करें 1.6 is usually the golden Fibonacci number. उसको वो क्रॉस कर चुका है. We can do 2. We can do 2.6 like that. Okay. तो सर, इसमें देखिए जो हम लोग ये हो गया Fibonacci extension. और ऐसे भी कर सकते हो. Yeah, this is what I was going to ask. Should have stopped near 48 because ये बड़ा time frame है ना, थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकता है. Anything which will go इसके ऊपर जितना ज्यादा time sustain करेगा ना, जितना ज्यादा time 48,000 के ऊपर sustain करेगा उतना वो strong होते जाएगा. So 48 is like a Lakshman Rekha for this structure also. Now यहाँ पर मैं एक और count बना सकता हूँ. Okay, just one second. This one can also be made here. 1, 2, 3, 4, 5. ये जो B wave था, ये जो wave 2 था, उसमें expanded B थी. Yeah, this is finished. Yeah, and उसके बाद फिर वहाँ पे वो WXYXZ का structure बना. Fifth के बाद. I'm saying okay. Something wrong. ये बड़ा wave 1 हुआ, ये बड़ा wave 1 हुआ, ये बड़ा wave 2 हुआ, अब wave 3 unfold हो रहा है. ये जो वेव थ्री होगा ऐसा अनफोल्ड होगा, ऐसा 1, 2, 3, 4, 5 वेव टू, वेव थ्री ऐसे चालू होके चल रहा है ऊपर अपना और इसमें होगा. सो वन मोर फीचर ऑफ वेव थ्री इज वेव थ्री हैज टेंड्स टू मूव इन गैप अप्स. वेव थ्री विल हैव वेरी लिटिल रिट्रेसमेंट्स. अब ये वाला मेरा जो ड्रॉइंग किया हुआ है रनवे गैप्स होंगे उसके अंदर. हाँ, इसमें आप देखो पुलबैक्स बहुत कम होते हैं, पुलबैक्स कम, ज्यादा वो आप आराम से ऊपर चलता रहेगा 45 to 60 डिग्री एंगल में वो अपना चलता रहेगा नॉन स्टॉप. सो अभी का जो स्ट्रक्चर है बैंक निफ्टी का फिलहाल स्ट्रॉन्ग है. सो नंबर वन, टू कंफर्म वेदर इट इज अ फाइव अप, if it starts sustaining below 48,000 then there are the chances of five up is over, at least it will tend to come down to this line. Okay, number two, agar ye five wave idhar hi khatam ho gaya tha aur ye wave two tha aur ab yahan se hamara expanded third wave of a larger degree chalu hua hai to ye trend line ko wo breach karke upar nikal jayega and also it will start sustaining above 48,000. तो ये अपवर्ड थ्रस्ट मारेगा टुवर्ड्स 58 लाइक दिस, कंटिन्यू टू ग्रो, कंटिन्यू टू एक्सपेंड. सो कीप क्रिटिकल काउंट्स ओपन एज द वेव अनफोल्ड्स, ट्राई टू ट्रेड अकॉर्डिंगली द होल पिक्चर, ट्राई टू ट्रेड इट अकॉर्डिंगली उसमें. दैट्स हाउ द एलियट वर्क्स. कीप इट ओपन, कीप द, डोंट बी टू रिजिड विथ योर वेव काउंट उसमें, राइट. सो ये हो गया आपका वो उसका. अगेन आई शो यू अनदर कॉम्प्लेक्स वेव व्हिच इज अ समथिंग व्हिच वी आई लाइक टू सी अ लॉट CNXIT में WXYXZ. हाउ, सी हाउ ब्यूटिफुली इट रिस्पेक्ट्स द ट्रेंड लाइन. ये वाला, ये वाला, ये वाला यहां से अनफोल्ड करके निकलेगा WXYXZ पूरा. और अगर हम इसको देखे, when I said WXY कहाँ फॉर्म होता है, कॉम्प्लेक्स वेव आइदर इन बी वेव और वेव 4. सो उसके बाद जो वेव आएगा विच विल बी द वेव 5, राइट, टर्मिनल वेव. यह खत्म हुआ और वहां से हमें ड्रॉप मिला, ABC आया. और एट द सेम टाइम इतना बड़ा रैली हुआ था IT इंडेक्स में, देखिए कितना जबरदस्त रैली था, राइट, ये वाला सच अ स्ट्रॉन्ग रैली. इनफैक्ट इफ आई वांट आई कैन स्ट्रेच इट फर्दर बिहाइंड, राइट, कितना बड़ा रैली था ये. सो रैली के बाद टाइम वाइज करेक्शन हो रही थी, प्राइस वाइज नहीं हो रही थी इंडेक्स में, इन द IT इंडेक्स. सो द कॉम्प्लेक्स वेव्स आर लाइक दैट, वेरी वेरी सब्जेक्टिव इन नेचर. ऑन दैट,
Like that. WXYXZ and done. Okay. Now let me show you some expanded wave threes. Because basic idea is that you make money as an investor, lamba run pakdo ek trade ka. This is NMDC. Okay, see, first wave, ABC, second wave, third wave unfold. And you asked me for the normal ABC. Dekhi. ठीक है, normal ABC बन रहा है यहाँ पे. Yeah, expanded wave ABC. देखिए, three का two बना है. ये three का two अभी. ये अभी भी चल रहा है थ्री का थ्री. मे बी इंटरनल में खत्म हो रहा है या कुछ, वो दूसरी बात है. बट सी द अनफोल्डिंग हैपनिंग. अभी तक डू यू सी एनी मेजर रिट्रेसमेंट इन दिस करंट मार्केट फ्रॉम द लोज ऑफ ऑगस्ट जुलाई 2300 बक्स टू दिस? मतलब वेव फोर बना ही नहीं अभी तक. अभी भी वेव थ्री इसका फुल ऑन चल रहा है इस समय इसमें. राइट, ये अनफोल्ड हो रहा है थ्री का थ्री. सो पहले हमने थर्ड वेव को किया, फिर थर्ड का थर्ड अनफोल्ड हो रहा है इसमें. तो ये अगर करेक्शन भी आएगा इसमें, बिकॉज ये एक करेक्शन है वेव टू. राइट, 180 तक आएगा, 180 210 तक या 130 150 तक. सपोजिंग करिए यहां पर है तो ये ऐसा पुल बैक मारेगा, फिर ऐसा जाएगा तो यहां तो वो अपना थर्ड का थर्ड खत्म करेगा, फिर थर्ड का फोर्थ, फिर थर्ड का फिफ्थ, फिर फिफ्थ वेव. तो मतलब एज अ एलियट इन्वेस्टर इन द मार्केट, आई नो व्हाट वैल्यू ऑफ द स्टॉक इज एंड वेयर आई कैन ऐड मोर, वेयर आई कैन होल्ड ऑन टू द स्टॉक एंड लाइक दैट. और इसको यूज कर सकता हूँ ना अपने एडवांटेज में, द अनफोल्डिंग ऑफ अ वेव. सो ये हुआ NMDC एंड आई विल शो यू वन मोर. जितना इसको बड़ा टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं उतना ज्यादा क्लैरिटी बढ़ती जा रही है. बिकॉज सब्जेक्टिव है ना, आपको ऑल्टरनेट काउंट्स पकड़ के रखने पड़ते हैं. लोअर टाइम फ्रेम में आपको वो, अगर आप गलत हो गए ना, इट विल हर्ट यू अ लॉट लाइक दैट. हायर टाइम फ्रेम में आपको अपॉर्चुनिटी देता है एडजस्ट करने का एलियट वेव. ये देखिए PNB, एक टाइम में कोई स्टॉक को हाथ नहीं लगाना चाहता था PNB को, आज सब चेस करते हैं उसको. बट मुझे एक बात जो पूछनी है फ्रॉम अ व्यूअर पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है. अब राइट नाउ वी कैन से दैट दिस इज द थर्ड वे इन द रनिंग राइट नाउ, ठीक है. नीचे वाले पॉइंट पे जीरो था, फिर वन आया, टू आया, नाउ इट इज अ थर्ड वेव दैट इज रनिंग. थर्ड का भी थर्ड. सो एज एन इन्वेस्टर और अ ट्रेडर, हाउ डिड यू नो कि अब थर्ड वेव मेरी स्टार्ट हो चुकी है? एट व्हाट प्राइस पॉइंट हियर, एट व्हाट पॉइंट हियर? सो जब पहला बार ये वेव अनफोल्ड हुआ था, पहली बार ये लीडिंग डायगोनल जो बनी यहाँ पर, ओके, ये लीडिंग डायगोनल बनी वन वेव, ये उसका सेकंड वेव आया, डिड नॉट गो बिलो ए, ओके, फिर ये बना. राइट, ये बना. पहले पहला इंट्यूशन था कि ये थर्ड वेव है, बट हमने देखा ये अगर ये 1 2 3 है और ये फोर्थ बनेगा, फिर एक फिफ्थ बनेगा इधर. ऐसा कुछ बनना चाहिए, राइट, यहाँ पर. बट लुक व्हाट हैपेंड, ये बना, ये फिफ्थ गया, ये माइनर डिप देके चला गया. द मिनट इट डिड दिस माइनर डिप देके चला गया, यू न्यू दैट दिस वेव काउंट इज रॉन्ग. द वेव काउंट चेंज टू दिस. जिसमें ऐसा कुछ, ये थर्ड का थर्ड एक्सपैंड होते हुए भाग रहा है ऐसे इसमें. सो नाउ यू नो हाउ इट एक्सपैंड्स, एंड ऊपर का ट्रेंड लाइन ज्वाइन कर लो आप, सो यू नो कहां तक प्रॉब्लम दे सकता है स्टॉक. सो बेसिकली वी कुड हैव एट 81, दिस इज अ लॉन्ग. या सो नाउ आल्सो दोज हु वांट टू ऐड मोर और हैव मिस्ड इट, व्हाट वन शुड डू, ये बिकॉज़ ये मंथली है, वीकली में एबीसी का फॉर्मेशन का वेट करो.
ABCs. That's why I said, learn your ABCs. Learn your ABCs. ABC pullback aaye, ABC khatam hua, take an entry. Join the party. And take an entry. If the trend is very strong, that particularly corrective ABC will be ending at a very important Fibonacci golden ratio or a... Fibonacci or... Elliott is married to Fibonacci. Or that's the only study... Elliott is married to Fibonacci, and that's the only study he went to do his calculations. No other study. Okay. Absolutely. Okay. In fact, I have told you, most elliotticians use bar charts. Where did the bar chart go? Yeah. Bar charts. They don't use candle also. Because they don't see candle ka emotion, fear, greed bhi nahi dekhna hai apne study mein. So, I'll show you more examples. Some very... Today, this is again a recent example. Indigo. Look at Indigo unfold. Look at the first wave. Second wave. Correction khatam hua. Correction complete. And stock is breaking out. So, is maybe agar main wave count karu. So, Elliott, like I said, you know, patterns unfold very nicely in Elliott. Okay. So, jo pattern unfold hote hai, they run like जो strong stock होंगे वो parallel channels में चलेंगे parallel channels so अब ये third wave है और ये लंबे वाली हो सकती है हाँ और ये देखिए ना किसका third है third का third चल रहा है अभी इसमें एकदम not necessary कि ये third यहाँ complete हुआ है it could also expand let's do the Fibonacci here So just above 1.6 hai abhi. So Fibonacci hai idhar mein. Agar samjhe iske upar bhi nikalta hai, breaks the channel. So next is 2.6. Iska. So yes, hum log isko lower time frame mein phir further unfold karenge into a wave and see how much it is doing. Usme. So again, it's a recent example of how the stock has just taken off. Okay. NMDC, PNB. Okay. So I showed you one leading diagonal, showing you another leading diagonal. Yeah. The only case where wave 4 will enter one leading diagonal. Manapuram. 1, 2, 3, 4, 5. Drop down wave B or 2 and then the expanding this way. Manapuram. Huge unfolding. Again for people who are into classical patterns, look at what this did out here. So, aisa baat nahi hai ki dusre studies ke sang hum isko join nahi kar sakte hain. Look at what it has done. Yeah. It's not a classical pattern, but it is one. Inverse head and shoulder. Basically, sare ke sare patterns yahi se nikal ke pahunch rahe hain. Haan. Patterns, you know, wo, classical patterns, wedges, triangles, ye yahan mein banta hai. Okay, I can show you another one. See, now, when I said extended fifth waves and how they work, one of the best examples of extended waves, expanded waves, SRF. Look at kahan se stock chala hai. Look at this. Agar main simple ABC ho gaya, 1, 2, 3 ho gaya, profit book kar lo, ab gir jayega. See how the wave has expanded. Kept on expanding. Kept on expanding. But sir, एक बात बताओ मुझे इसके अंदर यहाँ पे. अब जैसे ये SRF like stock है, ठीक है? अब आप इसको देख लो यहाँ पे monthly chart के ऊपर, ठीक है? So
इट कैन बी अनदर इंस्टेंस जहां पे 2000 से लेके 2024 तक देयर इज अ कंपनी व्हिच इज कांस्टेंटली परफॉर्मिंग वेरी गुड, ठीक है. एंड नाउ अगर हम इसको देखते हैं तो ये 2021 से लेके अभी तक फिर से एक बड़ा कंसोलिडेशन पैटर्न बना रही है, ठीक है. सो पीपल लाइक मी दे माइट बी लुकिंग एट कि यार ऊपर के लेवल पे एक या तो डरवास बॉक्स बन रहा है या फिर एक रेक्टेंगल चैनल बन रहा है और जब इसको ब्रेकआउट करेगा तो इट विल गो वेरी हाई. राइट राइट. तो उस केस में अगर ये अब यहां टू स्टार्ट विद स्टार्ट काउंटिंग योर वेव्स फ्रॉम हियर. ये वन हुआ, ये टू हुआ, यूज फिबोनाची की. अच्छा दूसरी बात विच आई फॉरगॉट टू से दैट व्हेन यू आर डूइंग एलियट वेव, ओके, खास करके हायर टाइम फ्रेम में मंथली वीकली क्वार्टरली चार्ट्स, ऑलवेज हैव योर लॉग चार्ट ऑन लॉग. अगर आप लॉग नहीं करोगे तो ऐसा दिखेगा आपको, ओके, विच इज इनकरेक्ट. नाउ व्हाई इज इट इनकरेक्ट? बिकॉज एक स्टॉक 100 से 200 गया, राइट, इन अ लीनियर चार्ट 100 टू 200 और 2000 टू 2100 इज 100, बट एलियट सेज 100 टू 200 इज 100%, राइट, इन अ लॉग चार्ट. So that is more stronger than a 2000 to 2100. So when you do Elliott, always do log chart. See the difference. Okay. Kitna difference hota hai chart mein, log or isme. Even in weekly, aap dekho, main isko non-log kar deta hun. Kitna different. Ye wala move aapko kya lag raha hai? Kuch hua hi nahi hai jaise. Right? Yes. Log karta hun, dekhe kitna bada ye sharp decline hai. Because see the fall. 800 to 500, 300 पॉइंट का डिक्लाइन है ये, राइट, बट बिकॉज अभी वो 2600 है 300 का कोई वैल्यू नहीं रहा उसमें, बट 800 में 300 का बहुत वैल्यू था ना तब. सो दिस इज हाउ वेव विल अनफोल्ड. यू मस्ट लर्न टू कैच द मूव्स लाइक दैट इन एलियट उसका. लर्न इन द हायर टाइम फ्रेम, डू इट इन कैश इन्वेस्टिंग. As you get confident, as you understand the complexities, you can, it's your wish to go to lower time frames and trade it accordingly. So, continuing with this, I'll show you one more expanded wave, jo aapne bola na SRF jaisa stock. Okay, so look at this. Brigade Enterprise. Look at this. दिख रही है आपको मेरे स्क्रीन में? Yes, yes, yes. I can see it. Yeah. See how it has expanded? Yeah, it still makes sense. क्योंकि SRF की तो मतलब कि it's like कि वो तो खत्म ही नहीं हो रही ना extended wave. हाँ, हाँ. तो वो अगर आप simple सिर्फ one अगर chapter one पढ़ोगे five wave के बाद three आता है और आप उसका rules नहीं देखोगे expanded three, the strongest three. So इसका early hint हो जाता है कि यार ये तो fifth बहुत बड़ा फट रहा है. बहुत ज्यादा निकल रहा है, तो दैट मींस ये एक्सपेंडेड है. अब थर्ड वेव ओपन अप हो रहा है इसमें पूरा. सो यू गो टू HDFC बैंक, यू गो टू ABB, यू कैन चेक ऑल द IT स्टॉक्स, दे आर ऑल एक्सपेंडिंग लाइक दैट. वी हैव ऑल डन दैट एकदम. सो ये आपका ब्रिगेड इज अनदर एग्जांपल ऑफ एक्सपेंडेड वेव्स, हाउ इट मशरूम्ड आउट एकदम. सो इट्स लाइक यू नो जो बैम्बू ट्री होता है ना, आप इयर्स एंड इयर्स पानी डालो फिर सडनली शूट मारता है ना. वेव थ्री इज समथिंग लाइक दैट, कि वो वेव टू में आप पानी डाल रहे हो बैम्बू प्लांट पे, कल्टीवेट कर रहे हो, देन द डिविडेंड स्टार्ट पोरिंग आउट इन फ्रंट ऑफ यू एकदम वहां से. एज एन इलिटेशन योर ट्राई इज टू गेट इनटू दैट थर्ड वेव. या द थर्ड. सो इलिटेशन नोज इज ABC नंबर वन, एंड ऑल्सो नोज कि थर्ड वेव का एडवांटेज उठाना है मुझे. सो ये हो गया आपका. एंड आई टोल्ड यू अबाउट द एक्सपेंडेड हॉर्न, राइट, जो करेक्शन ट्रायंगल एक्सपेंडेड जो होता है. ये HDFC बैंक, लुक एट दिस. सो फॉर मी I am primarily doing Ichimoku and Harmonics on my trading. Harmonics is also Fibonacci derived. So because I started my learning from Elliott, the Fibonacci of Elliott and the Fibonacci of Harmonics, mera bahut un dono ka matching ho jata hai to catch big moves even in the lower time frame. And plus main Ichimoku use karta hu to catch the larger trend picture.
in the higher time frame, I'm with the Elliott wave also. They all, in the end, all roads lead to the same destination. It is how you match it and catch it like that. Pura. So, ye aapka HDFC bank ka expanded corrective. Dekhe, price kahin bhaag nahi raha hai. Time-wise correction ho raha hai from November till March. So, expanded and then a breakout structure took place out there. And the last one, because you are only looking at this, I found this also to be something quite interesting. ये देखिए राइजिंग वेज, जो फिफ्थ वेव जो खत्म होता है जब स्टॉक का टर्मिनल वेव, वो भी एक स्क्वीज वेव बनेगा, स्क्वीज होगा, ये ऐसे बंद होगा, 1 2 3 4 5 एंड अ फॉल. ये हो गया आपका राइजिंग वेज. और एक वन मोर राइजिंग वेज आई विल शो यू. Look at this. इसको आप B wave structure भी बोल सकते हो एक बार. ये वाला गिरा और यहां से correction complete किया, running flat यहां पर. पहला वाला 5 wave running flat and took off from here. This one. So yeah, Rohit, this is Elliott for you. It's a good study, very, very good study. Ek baat aapko bata deta hu. Once you learn Elliott, you may try to leave Elliott, but you'll never be able to leave it. Uski ek alag hi charm hai, ekdam, us book uski. Ekdam. Yeah. I think isko dobara dekhna padega mujhe to baith ke ek bari. And I'll have to incorporate it somewhere because ये इसी चक्कर में ना मैंने कभी इजिप्ट पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बिकॉज स्ट्रक्चर्स के अंदर इट्स लाइक अ रूल्स है. कहते हैं ना कि वो इट्स लाइक यू नो, इट्स लाइक जब हम स्कूल में मैथ्स सीखते हैं एलिमेंट्री किंडरगार्टन से, एज वी गो इनटू सेकंड प्राइमरी स्कूल सेकेंडरी स्कूल कॉलेजेस, सो द फर्स्ट वी लर्न द टेबल्स राइट, देन वी लर्न द एडिशन देन सबट्रैक्शन देन डिविजन देन कम्स द algebra, then comes trigonometry, then comes calculus, etc. So, पहले दिन तो कोई नहीं लर्न करते ना. So, इसमें क्या है, आपको सारे rules याद रखने पड़ते हैं as it unfolds. Yes, it is, you know, compared to indicator based studies, थोड़ा सा subjective हो जाता है, ये हो जाता है, but advantage भी देता है ना, आपको early reversal देता है. सबसे important, forget the early reversal, आपको एक strength of a trend बताता है in a higher time frame. कि ये कहां तक जा सकता है, इसकी क्या अनफोल्डिंग हो रही है अभी. एग्जाम्पल इज SRF. आई डोंट थिंक एनी टेक्निकल स्टडी इंक्लूडिव ऑफ यू नो व्हिचएवर वन आई लुक एट इचिमोकु RSI PNF बॉलिंजर बैंड्स व्हिचएवर स्टडी यू टेक MACD ADX मूविंग एवरेज नोबडी विल बी एबल टू गिव यू सच अ अनफोल्डिंग पिक्चर सो अर्ली एज एलियट डज इन इट्स कोर्स. It's a market psychology. Obviously, it will take a lot of time because you are actually understanding the market behavior. What market behavior is, you know, crores and crores of people who are trading around that market price. So, So it is basically reading the emotion in a larger picture and unfolding it in front of you. Pura. Ki ye kaise emotions. That's why it's called wave theory. So, jaise aap apne jab sea mein jaate ho, the waves that hit, right? The first wave is small, it gets bigger and bigger and bigger, and then it unwinds. Na? So, isiliye Elliott mein bolte hain, the sea of greed and the river of doom. Waise bolte hain wo log usko, pura, in those terms. I don't know the exact terms for that. So, that's how we use it. Pura. Sir, thanks a lot for this session. What I will do is, I'll put you in the description with your YouTube channel.
so that if my viewers have some queries about this, they can ask you directly in the comments. Yeah. Aapne, you gave me 1 hour, 40 minutes for this. Thanks a lot for this session. It was a elite wave masterclass for me. ठीक है. जिस चीज को मैं बड़ी देर से अवॉइड कर रहा था मेरा हो गया उसके अंदर ठीक है. So now I think इसको जितना actually you and I have been talking about it for quite some time now and आज जाके फाइनली हुआ हमारा ये प्राइमरी रीजन बिकॉज मुझे भी कुछ बात करने के लिए कुछ लाइक यू नो द रूल्स ऑफ एलियट आई हैव टू आल्सो टॉक इन दोस टर्म्स आई कांट जस्ट टॉक चैप्टर वन और छोड़ दूं या पूरा इसको समझान इट्स अ एंड माय एडवाइस टू एवरीवन इज दैट रीड द बुक ऑफ एलियट और इफ यू नो गुड ट्विटर हैंडल्स और सोशल मीडिया हैंडल्स ऑन एलियट वेव उनको फॉलो करो उनके चार्ट्स देखो वो कैसे अनफोल्ड करते हैं कैसे दिखाते हैं इसको एंड कीप प्रैक्टिसिंग इट. I will try to bring more Elliott Wave market analysis experts on it so that because different perspective milenge to I think logon ko help bhi karega. So thanks a lot sir, thanks for thank being you, here. Thank you for having me. Thank you sir. Wo comfort, wo seven course meal, wo sab chahiye to thoda sa mehnat karna padta hai na.